तरह से मामा लोगों का बहुत ज्यादा ग्रैंड वेलकम किया जाता है। सबको ऐसी फैमिली मिलनी चाहिए और सबको ऐसी बेटी मिलनी चाहिए जिन्होंने पेरेंट्स से परमिशन ली। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो गाइज, शाम का टाइम है और हमारे यहाँ पर फिलहाल अभी है मामा स्वागत की रस्म। तो हिमाचल में जो मामा स्वागत है वो शाम को किया जाता है शादी से एक दिन पहले, यानी कि दुल्हन के जो मामा या फिर दुल्हा के जो मामा होते हैं उनका वेलकम किया जाता है और उनको बहुत अच्छे से उनका सत्कार किया जाता है। तो जो भी है हमारा रिचुअल मैं सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बस ब्लॉग भी बन रहेगा और जल्दी जल्दी ब्लॉग बना रही हूँ, बस सब ब्लॉग भी बन रहेगा। और ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों, इस वक्त आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत ही गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ और यहाँ पर वेलकम हो रहा है मामा जी और का, यानी कि मामा मामी उनकी पूरी फैमिली का। और लोग बहुत ज़्यादा सज सवर के, बहुत ज़्यादा सुंदर होके आगे डांस करते करते आ रहे हैं। तो ये ग्रैंड वेलकम होता है शादी से एक दिन पहले दूल्हे के मामा और यानी दुल्हन के मामा और दुल्हन के मामा की पूरी फैमिली की। तो यहाँ पर सब लोग का वेलकम किया जाता है और जो मामा जी लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। और आगे का कल्चर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहुंच गए हमारे अंकल आंटी भी, शिल्पा के मम्मी पापा। और वो कौन है हमको नहीं पता? ये मामा माई जी। अच्छा, मामा माई, ये मामा माई जी है और इंडिया के सासू। अच्छा, आपकी तो ये है इंडिया की सासू माँ। और सब लोग पहुंच गए हैं। गर्मी में कैसा है? बहुत ज्यादा गर्मी है। अक्षु, तो बस हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और अब जस्ट स्टार्ट होने वाला है मामा स्वागत। वैसे तो आप लोगों ने ग्रैंड वेलकम देख लिया होगा, ढोल के साथ हमारे यहाँ पर ढोल के साथ वेलकम किया जाता है। अब इसके बाद अब देखिए आगे हमारा रिचुअल क्या है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, जो मामा स्वागत का कार्यक्रम है लगभग शुरू हो चुका है। तो सामने जो है वो है दुल्हन के मामा जी, यानी कि जो मेरी चाची जी हैं उनके बड़े भाई हैं। तो हमारे यहाँ पर ऐसा होता है जो मामा जी औरतें हैं उनको टीका लगाया जाता है, उनको कुछ शगुन में कपड़े या कुछ दिया जाता है और रिटर्न में वो लोग भी वापस करते हैं। तो एक दूसरे का जो लेन देन होता है ऐसे दिया जाता है और उनको स्पेशल टीका लगाया जाता है, चौकी के ऊपर चढ़ाया जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट दिया जाता है उनको। तो ये रिवाज हमारे हिमाचल में है जो यहाँ पर किया जाता है। कि अभी मैं जस्ट फ्री हुआ, दिन भर पता ही है शादी का माहौल कैसा होता है, खासकर बहन की शादी है। हाँ, तो मैं बिल्कुल ही मुझे टाइम नहीं मिला, बट अभी टाइम मिला है। अभी भी मैं फ्री नहीं हूँ, बस जस्ट ब्लॉग में आया हूँ। बाद में आप देखते रहना, बट मैं ब्लॉग में ना फ्रेंड्स इनका आना थोड़ा कम ही होगा क्योंकि बिजी बहुत है काम में। बस अगर जैसे जैसे पॉसिबल होगा तब मैं इनको लेती रहूँगी। ठीक है, चलो जाओ आप काम कर लो। बस तो सामने से फंक्शन चल रहा है और बस मैं थोड़ा थोड़ा सा बीच में ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि फिलहाल अभी डीजे वगैरह नहीं चलाया। अगर डीजे चलता है फिर वही कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये देखिए, ये फिलहाल हमारा फंक्शन चल रहा है मामा स्वागत का। बहुत ही अच्छा रिचुअल है हमारा, मतलब इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है ना सारे फ्रेंड्स। ये है चाचा चाची जो जिनकी बेटी की शादी है। तो एक बार जैसे मामा लोगों ने, सॉरी चाचा चाची ने मामा लोगों का वेलकम किया, अब मामा लोग भी उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं।
और चाचा जी का तिलक लगा रहे हैं, चाचा जी का भी साथ में। और हमारे यहाँ पे ना एक और रिचुअल फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जेंट्स होते हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, वो चौकी के ऊपर खड़े होते हैं। ये देखिए चौकी, और जो लेडीज़ होती है वो साथ में खड़े रहते हैं। तो ये देखिए, ये है भारतीय संस्कृति और खासकर नेपाली, हिमाचली, आप जो भी बोल सकते हो। फिलहाल ना यहाँ पर अब स्नैक्स बट रहा है। टूट पड़ो फटाफट से। मेरा छोरा, छोरा नहीं है ये, हमारे अद्दू के जूते अच्छे हैं। और गाइस देखो मेरी सैंडल, ये ना मेरे को मेरी पठानकोट वाली फ्रेंड ने दिया था जब हम लोग गए थे ना, तो तब उसने मुझे ये सैंडल दी थी, तो मैंने ये सैंडल पहनी। देखो दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी सैंडल है। और अद्दू के शूज भी बहुत प्यारे, यू नो 80,000। सो फ्रेंड्स, ये है शांत बेदी की तैयारी। यहाँ पर अभी जो मामा वगैरह आएंगे वो लोग यहाँ पर जो भी है पंडित जी उनसे कार्य है जो कराएंगे। फिलहाल यहाँ पर पंडित जी ने पूरी तैयारी कर दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर चल गया है प्रोग्राम शांत बेदी का। तो जो शांत बेदी होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो पंडित जी हैं वो बड़े मामा के हाथ से सारा कार्य कराते हैं, सारा कार्य तब पंडित जी के हाथ से करवाते हैं। वो हमारी ब्राइड बेटी है, वो हमारे पंडित जी हैं, और ये बड़े मामा जी। और एक और रिवाज फ्रेंड हमारे यहाँ पर ये होता है कि जो मामा लोग होते हैं तो चूड़ा आता है मामा की तरफ से, पायल लाती है मामा की तरफ से, और जो नथ होता है, जो नथ दुल्हन पहनती है, वो भी मामा की तरफ से आता है। उसके बाद जो कपड़े वगैरह हैं वो तो चलो नॉर्मल है, वो तो आता है ही है, लेकिन ये जो तीन चीज़ होती है यानी कि नथ, चूड़ा और पायल, ये स्पेशली मामा के घर से ही आती है। अपने घर से दुल्हन नहीं लेती है, स्पेशली मामा के घर से आती है। तो उनके घर से वहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर जो बड़ी वाली भाभी है वो दुल्हन को पहना रही है, यानी जो मामा की बहू है वो दुल्हन को पहना रही है चूड़ा वगैरह, और नथ उनको पहना दिया है। सो फ्रेंड्स, ये है मंडा, इसको हमारे यहाँ पे मंडा बोलते हैं जो आप ये देख रहे हो। तो ये दरवाजे में बांधा जाता है हमारे यहाँ पर, और जब दुल्हा आता है तो अपनी जो कुकरी होती है या अपनी जो तलवार होती है उससे इसको टच करते हैं, मतलब एक उससे ये बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जैसे पूरी जो नज़र होती है या फिर पूरी जो शक्तियाँ होती हैं वो अंदर नहीं आ पाती, वो कहीं ना कहीं से ऐसे बोलते हैं कि वो इस वजह से थोड़ी दूर चली जाती है। मामा स्वागत है, उसके बाद लेडीज संगीत है, वो बहुत अच्छे से पड़ गया, बहुत अच्छे से हम लोगों ने खूब डांस किया, खूब मस्ती करी, इतना एंजॉय किया ना, खूब पसीने वसीने हो गए, पर सच में बहुत अच्छा रहा, सच्चे से निपट गया। और कल शादी का दिन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है गाइस। और आप लोग के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरी मतलब जो एक्चुअली जो ऐसा होता है कि जिसको हम प्यार करते हैं ना, और वही अगर हमें मिल जाए तो इससे अच्छी खुशी की बात और क्या सकती है। तो एक्चुअली मेरी ननंद का, और जो मेरा वैसे तो मेरा भतीजा है वो, और वहाँ से अब ननंद की हस्बैंड भी हो गए, तो दोनों का आपस का प्यार था और वो प्यार सच्चा हो गया, पेरेंट्स मान गए, तो बस अब दोनों एक होने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि कैसा फील कर रहे हैं वो, चलो पूछते हैं। सो नानी, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आपको अपना प्यार मिल गया फाइनली? क्या बोलना चाहोगे आप? बहुत किस्मत वाले होते हैं वो जिनको उनका प्यार मिलता है। और पेरेंट्स के लिए क्या कहोगे? मैं भी हूँ। पेरेंट्स के लिए क्या कहोगे? आपके पेरेंट्स मान गए?
तो उनकी तो जहाँ बच्ची की खुशी है, उनकी तो जहाँ मेरी खुशी वही तो मेरे माँ बाप की खुशी है। वो कभी इस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। पर आप लकी हो कि आपके पेरेंट्स भी मान गए। बिल्कुल। क्या कुछ प्लानिंग है फिर आपका, कल कितने एक्साइटेड हो आप, कल आपकी शादी है फाइनली? एक्साइटेड तो मेरे फेस पे दिख रही होगा। गाइस सीरियसली इतना ग्लो कर रहे हैं ना, और देखो इनकी मेहंदी भी कितनी अच्छी लग रही है। और ये वाला जो वीडियो ना मैं आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल मुझे पता है कि शादी का दिन है तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसलिए मैं थोड़ी सी उनसे बात कर रही हूँ, उनसे पूछना चाह रही हूँ। और हमारे जो दूल्हे मियाँ हैं वो कितने एक्साइटेड हैं? वो तो मेरे से भी डबल। चलो हम लोग तो यही दुआ करते हैं कि आप लोग हमेशा दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहो, साथ में रहो, प्यार से रहो, और हमारी दुआएं आपके साथ है। विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। मम्मी निकाल लेंगे कत्ते। चलो आप लोग भी बोल दो, कल तो टाइम नहीं मिलेगा, बिजी रहेंगे। दीदी भी बंदो। बस नानी की शादी हो रही है, हम भी बहुत खुश हैं और नानी भी हमेशा खुश रहे। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। बनियान में लेने के बाद मेरी खुशी है बोलना ना। जेठियामा जी हम भी खुश है जी, बच्चों की खुशी में हम सब खुश है। सीरियसली भाई साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? भाई तो दहेज में जा रहे हैं। दहेज में जा रहे हैं भाई? नहीं नहीं, साथ में जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे भैया। चाची जी कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे खुश तो सब खुश। सब खुश। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फैमिली है जिन्होंने बेटी का साथ दिया, बेटी के लव में। आई होप सबको ऐसी फैमिली मिलनी चाहिए और सबको ऐसी बेटी मिलनी चाहिए जिन्होंने पेरेंट्स से परमिशन ली, वरना इस चीज़ का डर लगता है कि पता नहीं बच्चे परमिशन ले ना ले। और लड़की भी ऐसी मिली है और फैमिली भी ऐसी मिले जो पेरेंट्स से परमिशन ले। सो थैंक यू।